दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CSCR जॉब्स ऑनलाइन में। दोस्तों आज बात करने वाले हैं हम जाति प्रमाण पत्र आप कैसे बनाएंगे ई डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो है वीडियो जाति के ऊपर होने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना, जब भी आपको समझ में आएगा जाति आप किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं फिर। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना। तो आपको इस वेबसाइट पर आना है। दोस्तों इस वेबसाइट पर आना है, जो है आप लॉगिन हो जाओगे डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में। अब यहाँ पे आपको बहुत सारी सर्विस मिल जाती है, जाति प्रमाण पत्र हिंदी में, जाति प्रमाण पत्र इंग्लिश में, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, हैसियत प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र। आज मैं जाति प्रमाण पत्र बना के दिखाऊंगा आपको कैसे आप जाति प्रमाण पत्र जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम जाति पे क्लिक करेंगे। जाति पे जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको सारा जो है आपको डाटा भरना है। मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। यहाँ पे अपना नाम देना है हिंदी में, यहाँ पे अपना इंग्लिश में नाम देना है, यहाँ पे आप पिता है तो पिता पिता का जो है नाम देना है, और पति है तो पति पे देना है, और संरक्षण है तो संरक्षण का। उसके बाद मदर का नाम दे सकते हैं आप। अगर आपको नहीं पता तो आप मत दो, कोई कंपलसरी नहीं है मदर का नाम, पिता का नाम कंपलसरी है। यहाँ पे आप अपना मकान नंबर देंगे, उसके बाद यहाँ पे मोहल्ला लिख देंगे आप, जहाँ भी आप रहते हो उसके आसपास। उसके बाद अपना एक जिला चुन लेंगे, जिला जो भी आपका है मेरठ जैसा। उसके बाद यहाँ पे तहसील आ जाती है दोस्तों, यहाँ पे तीन तहसील दे रखे हैं, मवाना, मेरठ और सरदना। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ कोई सा भी जो है तहसील अपनी जो आपकी हो वो चुन लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो है इसे लिख देना है और यहाँ पे टिक कर देना है। टिक जैसे ही आप कर देंगे, फिर यहाँ आपके लिए कास्ट पूछ रहा है, कास्ट आपकी कौन सी है, अनुसूचित जाति है या पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जनजाति है, जो भी आपकी जाति हो आप यहाँ पे टिक करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे अपनी जो भी आपकी जाति है वो आप यहाँ पे देख लेंगे। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आप जो है प्रमाण पत्र बनने का कारण, कि आप प्रमाण पत्र बनवा क्यों रहे हैं, तो आप यहाँ पर उसका कारण लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है क्या आपके क्या इससे पूर्व कोई जाति प्रमाण जारी हुआ है। अगर आपका जाति प्रमाण पत्र हुआ है तो आप हाँ कर देंगे, और उसके बाद आपको जो है अभी थोड़ा लोड ले रहा है, अभी दिखा देता हूँ आपको। दोस्तों जैसे ही आप हाँ कर दोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जाति का प्रमाण पत्र जो संख्या है वो डालनी पड़ेगी। और आप यहाँ कह रहा है आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया है तो हाँ करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। ये राशन कार्ड आईडी पूछ रहा है, अगर आपके पास है तो डाल देंगे, अदरवाइज मत डालना। इसके बाद आप आ जाएंगे 18वीं कॉलम पे, यहाँ पर संकलन दे रखा है क्या क्या आपको अपलोड करना है, मैं आपको दिखा देंगे। फर्स्ट जो है फोटो अपलोड करना है, घोषणा पत्र अपलोड करना है, आपका पुराना जाति प्रमाण पत्र है तो जाति प्रमाण पत्र अपलोड कर देना है इसे टिक करके। राशन कार्ड कर सकते हैं। इसके बाद अन्य में आप जो है पैन कार्ड, वोटर आधार कार्ड, बहुत चीज है, और अपना आधार कार्ड, लाइसेंस, आप अदर में कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको सब चीज़ करने बाद आपको यहाँ पे ये कैप्चर यहाँ पे डालना है और यहाँ पे दर्ज करेगा क्लिक करना है। दोस्तों जाति जैसे ही आप दर्ज करे पे क्लिक करेंगे, आपके सामने देखो ये जाति का प्रमाण पत्र आपके सामने आ जाएगा बन के। आप देख सकते हैं यहाँ पे नाम वाम जब सारे आ चुके हैं। अब आपको यहाँ पे जो इसकी फीस काटनी है आप खापा क्लिक करेंगे, दर्ज करे पे क्लिक करेगा और इसकी पेमेंट आप काट देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइयो आपको वीडियो पसंद आई होगी ये, कि आप जाति प्रमाण पत्र घर बैठे कैसे बना सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।